पेटीएम दिवाली लूट ऑफर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से पेटीएम ने मतलब एक ऑफ़र लॉन्च किया है जिसमें आपको मिनिमम 90 रुपीज़ पर यूज़र को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मिनिमम 90 रुपीज़ आपको कैशबैक मिल सकता है उसमें, और साथ ही साथ मैक्सिमम आपको इसमें ₹250 तक मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यह है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ज्वाइन होने के काफ़ी फ़ायदे हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे कि आज 7 अक्टूबर को अमेज़ॉन की तरफ से 50 रुपीज़ तक का फ्री रिचार्ज मतलब आप कर सकते थे, और ये ऑफ़र सभी लोगों को पता नहीं था, तो मैंने ये ऑफ़र अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। तो मतलब अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो आपको जो लेटेस्ट ऑफर्स रहते हैं ना, सो मतलब जैसे 50 रुपीज़ का फ्री रिचार्ज हो जाएगा। मतलब जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है उन्हें ये ऑफ़र दिख गया होगा और उन्होंने मतलब फ्री रिचार्ज कर लिया होगा 50 रुपीज़ तक का। सो इस तरह से मतलब आपको इसमें बहुत सारे ऑफ़र्स और मनी अर्निंग ट्रिक्स मिल जाती है, और साथ ही साथ इस पर आपको फ्री में गिवअवेज भी मिलता है। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से पर यूज़र को मिनिमम 90 रुपीज़ गारंटेड मिलेगा। सो सबसे पहले तो आपको अपने पेटीएम ऐप को अपडेट कर देना है। अगर आपका पेटीएम ऐप अपडेटेड नहीं है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और इसे अपडेट कर लीजिए। सो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये ऑफ़र 31 अक्टूबर तक वैलिड है। सो सबसे पहले आपको कैशबैक ऑफ़र में जाना है। कैशबैक में क्लिक करते ही आपको यहाँ देख सकते हैं कि पेटीएम UPI ऑफर्स का एक सेक्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद इसमें सबसे आपको सबसे नीचे जाना है, एकदम लास्ट ऑफ़र आपको चेक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पे यूजिंग UPI इस वाले ऑफ़र पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं, पे यूजिंग UPI अप टू ₹250 कैशबैक, मतलब आपको 7 UPI पेमेंट्स करने हैं 500 या मोर का। अब इस ऑफ़र को अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद ही इस ऑफ़र को यूज़ कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट पेमेंट पे 30 रुपीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम 100 तक मिल सकता है, फिर थर्ड UPI पेमेंट पे 25, फिर फिफ्थ पे 20 और सेवन्थ पे 15। मतलब अगर इसे टोटल किया जाए तो ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ तक का कैशबैक होता ही है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे किस तरह से मतलब कहाँ पेमेंट करना है। तो नीचे आके आपको मैं इसका जो व्यू मोर कर देता हूँ और टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आपको बता दूँ, इसमें एक ट्रांजेक्शन का वैल्यू 500 देना चाहिए और डेली एक ट्रांजेक्शन काउंट होगा। सो और देख सकते हैं कि ऑफ़र कैन बी अवेल्ड वन टाइम ड्यूरिंग द कैंपेन वैलिडिटी, मतलब कि एक बार ही आप इस ऑफ़र को यूज़ कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 90 रुपीज़ गारंटेड है। अब आप देख सकते हैं कि ऑफ़र इज़ वैलिड ऑन सिलेक्टेड नॉन पेटीएम मर्चेंट्स इन विच UPI पेमेंट ऑप्शन इज़ अवेलेबल, जैसे कि अमेज़ॉन, ओला, स्विगी, ये सब। मतलब इसमें क्या करना है आपको, इसमें ना आपको पेटीएम मर्चेंट पे 500 का नहीं करना है, इसमें आपको नॉन पेटीएम मर्चेंट मतलब अमेज़ॉन वगैरह पे के मर्चेंट अकाउंट होल्डर्स को 500 रुपीज़ मतलब सेंड करना है। तो आप जैसे कि अगर आपका कोई आजू बाजू मतलब आसपास कोई शॉप वाला पहचान का है जो ये अमेज़ॉन का या फ्लिपकार्ट का किसी का भी मर्चेंट अकाउंट है उसका, तो उसका QR कोड स्कैन करके आप उसे मतलब 500 रुपीज़ ऐसे मतलब दे दीजिए, सेंड कर दीजिए और उससे बोल दीजिए कि आप मुझे वापस रिटर्न कर दे, तो हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको ये नहीं करना चाहते ना, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आप पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बना सकते, वैसे अमेज़ॉन मर्चेंट अकाउंट भी आप किसी दूसरे नंबर से अमेज़ॉन मर्चेंट अकाउंट बना लीजिए, और उसमें आपको मतलब कोई भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी होंगी। आपके पास जो नॉर्मली पैन कार्ड वगैरह होगा उसमें इजीली आपका जो मर्चेंट अकाउंट है वो बन जाएगा। और मर्चेंट अकाउंट बनाने के भी बहुत फ़ायदे हैं, बिकॉज हमें जो ऐसा ऑफ़र ना पेटीएम पे बार बार आते रहता है जिसपे 90-100 इतना मतलब कैशबैक गारंटेड रहता है ये सभी यूज़र्स के लिए। सो आप एक मर्चेंट अकाउंट बना लीजिए अपना, और उसी एक अकाउंट पे अगर आप सातों के सातों ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो भी चलेगा, बिकॉज इसमें ऐसा कोई दिया नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन की एक मर्चेंट अकाउंट पे एक ही ट्रांजेक्शन काउंट होगा। तो मतलब एक आप अमेज़न मर्चेंट अकाउंट बना लीजिए और उसमें ऐसे 500 रुपीज़ एक दिन में सेंड कीजिए, और उसके बाद वापस वो अपना रिटर्न ले लीजिए, और इस तरह से आपको टोटल 7 पेमेंट्स कर दें। जैसे ही आप 7 पेमेंट्स कर देंगे ना, मतलब फर्स्ट पेमेंट पर आपको 30 कैशबैक मिल जाएगा, फिर थर्ड पे 25 और मिल जाएगा, मतलब 55 हो गया, फिर फिफ्थ पे 20 और मिल जाएगा, मतलब 65-75 की अर्निंग हो गई, उसके बाद सेवन्थ पे आपको 15 और मिल जाएगा, मतलब टोटल 90 रुपीज़ का तो मिनिमम गारंटेड मिलेगा इसमें। और मैक्सिमम आपको इसमें अगर ज़्यादा भी मिल सकता है 200-250 तक मैक्सिमम मिल सकता है इसमें। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।